नमस्ते दोस्तों, हमारे सेशन टू द पॉइंट में आज हम बात करेंगे सी ड्रैगन 22 अभ्यास किन देशों के बीच में हुआ, भारत में चीतों की वापसी क्या और कैसे होगी, साथ ही बताएंगे पढ़े भारत अभियान के बारे में, बताएंगे विश्व के सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क के बारे में, बताएंगे हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। हम आपको बता दें, हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया कनाडा जापान और दक्षिण कोरिया की नौसेनाओं के साथ प्रशांत महासागर में यूएस सी ड्रैगन 22 अभ्यास शुरू हुआ है। भारत जापान ऑस्ट्रेलिया अमेरिका चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता या क्वाड का भी हिस्सा है तथा मालाबार अभ्यास में भी भाग लेते हैं। एग्जामिनर आपसे पूछेगा सी ड्रैगन अभ्यास किस सेनाओं के बीच में हो रहा है, नौसेनाओं के बीच में, किन किन देशों के मध्य हो रहा है, भारत इसमें शामिल है। भारत के अलावा इसमें ऑस्ट्रेलिया कनाडा जापान और दक्षिण कोरिया की नौसेनाएं शामिल हैं। कहाँ हो रहा है, ये प्रशांत महासागर में हो रहा है। वहीं जो मालाबार अभ्यास होता है वो होता है भारत जापान ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के मध्य होता है। अगला, भारत में चीतों की वापसी। हम आपको बता दें भारत सरकार जल्दी भारत में चीतों की वापसी करेगी। वर्ष 1952 में विलुप्त होने के पश्चात चीते की एक बार पुनः भारत में वापसी हेतु केंद्र सरकार ने हाल ही में एक कार्य योजना शुरू की है, जिसके तहत अगले 5 वर्ष में देश में तकरीबन 50 चीते लाए जाएंगे। कार्य योजना के अनुसार पहले वर्ष के दौरान सभी चीतों को नामीबिया या दक्षिण अफ्रीका से लाया जाएगा। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर चीते को नवंबर 2021 में मध्य प्रदेश में पुनः प्रस्तुत करने की योजना बनाई थी, लेकिन महामारी के कारण ये योजना सफल नहीं हो सकी। हम आपको बता दें चीता वर्ष 1952 में भारत से विलुप्त हो गया था। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है भारत में चीतों की वापसी किस महाद्वीप से होगी, अफ्रीका महाद्वीप से होगी। कितने चीते लाएंगे अगले 5 वर्षों में, 50 चीते लाएंगे। भारत में कब विलुप्त हो गए थे, 1952 में हो गए थे। अगला, पढ़े भारत अभियान। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने पढ़े भारत का 100 दिवसीय पठन अभियान शुरू किया है। 21 फरवरी जिसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है को भी हमारे समाज की स्थानीय भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस अभियान के साथ एकीकृत किया गया है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है पढ़े भारत अभियान कितने दिन चलेगा, 100 दिन चलेगा, किस मंत्रालय के तहत चलाया गया है, शिक्षा मंत्रालय के तहत। आगे, विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क शंघाई यानी विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क अब चीन में शंघाई का है। शंघाई में हाल ही में 2 ड्राइवरलेस मेट्रो लाइनें लाइन 14 और लाइन 18 का पहला चरण शुरू किया गया है, जिसके साथ ही शंघाई दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाले शहरों के रूप में स्थिति बनाए रखी है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क कहाँ का है, आपका आंसर होगा चीन में शंघाई का। आगे, जम्मू कश्मीर एक ऐसा पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जो कि जिला सुशासन सूचकांक जारी करेगा। केंद्र सरकार द्वारा जल्द ही जम्मू कश्मीर में जिला सुशासन सूचकांक विकसित किया जाएगा, जिसमें जम्मू कश्मीर इस प्रकार का सूचकांक प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग इस संबंध में जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ काम कर रहा है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश अपना जिला सुशासन सूचकांक जारी करेगा, जम्मू कश्मीर, विश्व के सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क शंघाई का चीन में, पढ़े भारत अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, भारत में चीतों की वापसी कहाँ से होगी, नामीबिया या दक्षिण अफ्रीका यानी अफ्रीका महाद्वीप से, भारत में चीता कब विलुप्त हो गए थे, 1952 में, सी ड्रैगन 22 अभ्यास कहाँ हो रहा है, नौसेनाओं के बीच प्रशांत महासागर में, भारत इसका है इसमें शामिल। थैंक यू।